So really well. मजे चल रहे हैं ना बट पढ़ाई नो no, 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 पढ़ाई नहीं है और जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं और नहीं जानते हैं ये क्लास डेली आप लोगों की तीन बजे आती है जहां पर हम लोग तैयारी करते हैं एस बी आई पी ओ मींस की अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं एस बी आई पी ओ मींस की तो ये सेशन आपके लिए बना है और अल्टीमेटली जो हमारा मोटिव होता है वो यही होता है कि भाई

ऑलवेज मेक श्योर इफ़ यू आर प्रिपेरिंग फॉर बैंक आपको शुरू से लेकर आखिर तक की सारी चीज़ों की प्रैक्टिस एक साथ करते हुए चल रहा है दोस्त समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो ये नहीं प्री चल रहा है हमारा फिर मेन्स चलेगा नहीं 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 मेन्स की तैयारी करोगे तो प्री में तो होना ही होना वाई डोंट यू अंडरस्टैंड द सेम थिंग सो लेट्स गेट स्टार्ट शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिलर्स के क्वेश्चन फिलर्स के बेहतरीन तरीके से आज हम लोग क्वेश्चंस की बेटा प्रैक्टिस करने वा रहे हैं एंड व्हेन इट कम्स टू फिलर्स की अगर हम बारी बात करते हैं तो आज फिलर्स के साथ में हम लोग कुछ एरर डिटेक्शन जो कि रूल बेस्ड होंगे थोड़े से रूल भी आज हम लोग सीखेंगे ग्रामर के कुछ रूल्स भी सीखेंगे ठीक है और बहुत सारा क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क भी देंगे होमवर्क के भी क्वेश्चंस रहने वाले हैं सो so, आपको ये पीडीएफ डी कहाँ मिलेगी जो होमवर्क हम लोग करेंगे इसकी पीडीएफ दोस्त आप लोगों को मिलेगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है इंग्लिश बाय आयशा मैम ठीक है इंग्लिश बाय आयशा मैम यहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी ठीक है ये आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी यहाँ पर तो यहाँ से आप क्वेश्चंस की क्या सकते कर सकते हो प्रैक्टिस कर सकते हो एवरीवन सो लेट्स गेट स्टार्टेड शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत सा सेशन एंड ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे पहले करते हैं थोड़े आसान वाले क्वेश्चन आसान तो नहीं है आ, आप लोगों के फिलर्स के क्वेश्चंस हैं जिसमें आप लोगों के लिए तीन वाले होंगे राइट लेट मी शो यू कौन से वाले हैं एंड दीज आर द क्वेश्चंस ये तुम लोगों के इस पैटर्न पे क्वेश्चंस है

और इन तीनों ब्लैंक्स के लिए इस ब्लैंक में तुम्हारा ये वर्ड आ सकता है यहाँ पर तुम्हारा ये वर्ड आ सकता है और यहाँ पर तुम्हारा ये वर्ड आएगा वॉट गाइज यू आर सपोज टू डू आपको करना क्या होगा आपको ये बताना है कि कौन सा वाला यहाँ पर सही बैठ रहा है फिलर्स में और दूसरी चीज अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी मैम सही नहीं बैठ रहा है देन यू आर मार्क ऑप्शन नंबर ई मैन ऑफ दीज एज योर आंसर सो लेट्स गेट स्टार्टेड शुरू करते हैं बेटा रीड इट वेरी प्रॉपरली एंड ट्राई टू डू इट आई विल बी क्वाइट फॉर अ वाइल्ड चलो जल्दी से करो लेट्स डू इट देखो क्या लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है द यूनियन गवर्नमेंट मूव टू डैश द फ्री अब देखो द यूनियन गवर्नमेंट मूव टू यहां पर जब हम टू की बात करेंगे तो टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है फर्स्ट फॉर्म द यूनियन गवर्नमेंट मूव टू डैश द फ्री फूड ग्रेन स्कीम स्कीम फॉर द नेक्स्ट फाइव ईयर इज ठीक है Is as it will continue. ये क्या करेगी कॉन्टिन्यू करेगी टू प्रोवाइड क्या प्रोवाइड करेगी प्रोवाइड करेगी फूड सिक्योरिटी किसको फूड सिक्योरिटी टू लार्ज सेक्शन ऑफ डैश पीपल अब ये फूड सिक्योरिटी यहाँ पर एक स्कीम आ रही है फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी अमीरों की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर हटा दो एफलॉन का मतलब होता है रिच वेल्दी पीपल सो एलिमिनेट दिस दिस विल नॉट बी योर आंसर

टू एक्सटेंड क्या देगा द फ्री फूड ग्रीन स्कीम किसको को कि कब तक की देगा नेक्स्ट फाइव ईयर्स इज ये बात सराहने योग्य है ये जो स्कीम है ये क्या है सराहने योग्य है इज लॉडेड एज इट विल कॉन्टिन्यू टू प्रोवाइड किसको फूड सिक्योरिटी किसको सिक्योरिटी मिलेगी भाई टू लार्ज सेक्शन ऑफ जो वनरेबल पीपल हैं उनको सिक्योरिटी मिलेगी और ये बात जो है सराहने योग्य है यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर्स। यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा एक्सटेंड हो जाएगा दोस्त यहाँ पर तुम्हारा एक्सटेंड हो जाएगा यहाँ पर तुम्हारा लॉडेड हो जाएगा और यहां पर तुम्हारा क्या हो जाएगा जो लोग वनरेबल हैं उनको क्या मिलेगी फूड सिक्योरिटी मिलेगी जो लोग क्या है वनरेबल है ओके सो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स सी सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या लिखा हुआ एन एफ एस ए डैश द स्कीम द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना उसका फुल फॉर्म क्या है पी एम जी के ए वाई जिसमें क्या होगा अबाउट अस्सी एटी पॉइंट फोर करोर पीपल अंडर द कैटेगरी ऑफ ये योजना फिर लिखा हुआ है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर एंड डैश हाउस होल्ड बताओ यहाँ पर क्या होना चाहिए बेस्ड ऑन दिस बेस्ड ऑन दिस प्रोविजन लिमिटेशन ऑब्लिगेशन या स्टिपुलेश बेस्ड ऑन नेशनल फ्यूज सिक्योरिटी लिमिटेशंस, ऑब्लिगेशंस, टिपुलेशन क्या होना चाहिए और नेक्स्ट लिखा हुआ है अबाउट एट्टी पॉइंट फोर परसेंट कवर्स करेगा एक्सक्लूड करेगा निगलेक्ट करेगा या कंसर्न करेगा ये बहुत अच्छा कवर करेगा जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर क्या होना चाहिए ओके okay. देखो यहाँ पर करेक्ट आंसर्स अगर तुम लोग एक भी पकड़ लोगे उसके हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करनी अगर तुमको लग रहा है मैम यहाँ पर तो ये करेक्ट आंसर होना ही चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए अगर तुमको ये लग रहा है कि नहीं मैम यहाँ पर तो ये होना ही चाहिए उसको पकड़ के सॉल्व कर दिया करो चलो बताओ फिर यहाँ पर तुम लोगों का करेक्ट आंसर बेटा जल्दी से बताओ एवरी चलो देख लेते हैं एक बार बेस्ड ऑन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इसके हिसाब से डैश द प्रधान द स्कीम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना क्या करेगी अबाउट एट्टी पॉइंट करोड़ पीपल को इसके अंतर्गत तो यहाँ पर एक्सक्लूड का मतलब किसी चीज को हटा देना ठीक है एक्सक्लूड नहीं कर रही है लोगों को कवर कर रही है एटी पॉइंट फोर पीपल इसके अंतर्गत इतने लोगों को कवर कर रही है ठीक है तो यहाँ पर इग्नोर कर रही है नज़रअंदाज कर रही है ये भी नहीं आ सकता कंसर्न है मुद्दा है ये वर्ड भी नहीं आ सकता तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो सकता है या तो ये हो सकता है या नन ऑफ दीज हो सकता है ठीक है तो लगा के देखते हैं बेस्ड ऑन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एन एफ ए प्रोविजन यहाँ पर हाँ प्रोविजन आ सकता है इसके प्रोविजन के अंतर्गत द uh, स्कीम द uh, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कवर्स क्या कवर्स करती है कवर्स ठीक है अबाउट एटी पॉइंट फोर करोड़ पीपल अंडर द कैटेगरीज ऑफ पुअरेस्ट ऑफ द पुअर एंड प्रियोरिटी जो भी हाउस होल्ड हैं उनकी बात करी जा रही है तो यहाँ पर तुम्हारा जो करेक्ट हो जाएगा प्रियोरिटी यहाँ पर तुम लोगों का जो बेटा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर्स ठीक है क्स्ट तुम लोगों के लिए लिखा हुआ है ये लिखा हुआ चलो बताओ क्ल्यू uh, से सॉल्व करने की कोशिश करनी है कैसे क्ल्यू से सॉल्व करने की ग्रामर लगा के सॉल्व करने की कोशिश करो दे विल टू मैम आज कुछ बोल क्यों नहीं रही है मन में तुम्हारे ये ख्याल आ रहा होगा अरे मैम कुछ हो तो बोल दो और मैम कुछ बोलेगी नहीं आज से पढ़ाती रहेगी है ना चलो देखो दे विल कॉन्टिन्यू टू डैश फाइव के जी ऑफ राइस और व्हीट और कोर्स ग्रेन सुनिश्चित करने की बात करी गई है एंश्योरिंग दैट अगेंस्ट फूड इन सिक्योरिटी इज में गवर्मेंट्स डैश एंड द गवर्मेंट डैश टू नॉरिशमेंट फॉर द अनडिजर्वड इज अपला तुम लोग कैसे कर सकते हो यहाँ पर टू के बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म आती है मैम हमेशा टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो ये वाला ऑप्शन तो तुमने एलिमिनेट कर दिया टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पर कहा गया है एंश्योरिंग दैट किसी चीज़ को तुमने क्या कहा है एंश्योर करना है इस चीज़ के अगेंस्ट यानी कोई नाउन आना चाहिए यहाँ पर यहाँ पर क्या आना चाहिए एंश्योर करना है सुनिश्चित करना है इसके अगेंस्ट नाउन ओवरसाइटेड लिखा हुआ ईडी लिखा हुआ है वर्ब लगा के दे दिया वर्ब और एडजेक्टिव दोनों हो सकता है ये भी नहीं आ सकता अब या तो ये आ जाएगा और या तो तुम्हारा ये आ जाएगा इसके अलावा कोई आ सकता है नहीं आ सकता लिखा हुआ एंश्योरिंग दैट नेग्लिजेंस नेग्लिजेंस की बात नहीं कर रहे हो एंश्योर करने की बात कर रहे हो तो तुम नेग्लेक्ट नजरअंदाज की कैसे बात कर सकते हो एंश्योर करने की बात करी है एंश्योरिंग दैट जो विजिलेंस है किसके अगेंस्ट विजिलेंस जो है जो देखने की बात करी है उन्होंने विजिलेंस किसके अगेंस्ट विजिलेंस अगेंड फूड इन सिक्योरिटी इज़ मेंटेन एंड जो गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट है कमिटमेंट के बाद क्यों लगता है टू लगता है तो यहाँ पर यह भी एक क्ल्यू है तुम लोगों का कि यहाँ पर क्या आना चाहिए कमिटिवमेंट आना चाहिए ठीक है यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा कमिटमेंट आ जाएगा और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी इसलिए हमने क्या लगा दिया रिसीव लगा दिया कमिटमेंट के बाद क्या आता है टू आता है सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर इज गॉट इट क्या सभी लोगों को समझ में आ गया एनी वन वॉन्टेड टू आस्क एनी कुछ पूछना चाहते तो तुम्हें पूछ सकते हो ऐसे एलिमिनेट करके करोगे तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर यहाँ पर तुम लोगों के बेटा मीनिंग लिखे हुए हैं तुम लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी बाय चांस तो अगर तुम किसी का मीनिंग देखना है तो भी देख सकते हो द प्रोविजन ऑफ फूड ग्रेन्स वॉज इंट्रोड्यूस एट द ऑल इंडिया लेवल कब ड्यूरिंग कोविड नाइनटीन पैंडेमिक दो हालांकि इन स्टेट सच एज तमिलनाडु एट द टाइम द डैश ऑफ द लिखा हुआ है द के बाद नाउन चाहिए होगा यहाँ पर ठीक है द डैश ऑफ एन एफ Beneficiaries were doubled and nomenclature of PMGKAY बताओ पर क्या होगा एंड द नॉम यानी कि वर्ब की, की यहाँ पर थर्ड फॉर्म आनी चाहिए पी एम जी के थर्ड फॉर्म ठीक है बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा कम ऑन कम ऑन एवरी वन बेटा नेक्स्ट पोर्शन ये है यहाँ पर दा लिखा हुआ है ठीक है दा के बाद तुमको यहाँ पर क्या चाहिए है नाउन चाहिए होगा एक क्लू तुम लोगों का ये है ठीक है अब यहाँ पर तुम लोगों का लिखा हुआ है दो हालांकि डैश इन स्टेट्स डैश अनप्रेसिडेंटेड अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है अभूतपूर्व प्रिविलेंट अनकॉमन हैबिचुअल एट द टाइम हैबिचुअल इन स्टेट्स हो सकता है या तुम्हारा अनकॉमन ऑफ स्टेट्स हो सकता है या प्रिविलेंट इन स्टेट्स सच एज दो इन स्टेट्स या अनप्रेसिडेंटेड हाँ एवरी वन जल्दी से बताओ एलिमिनेट करके देखो यहाँ पर तुम लोगों का एक क्ल्यू है वर डबल एंड द नॉमन क्लेचर ऑफ पी एम जी के वाई वॉज अपेंडेंड इसका मतलब क्या होता है इसको अडॉप्ट किया गया था वॉज के बाद ये नहीं आ सकता है और ये जो नॉमन क्लेचर था ये बेनिफिशरीज वर डबल्ड ठीक है और यहाँ पर तुमसे कह रहा है इस नॉर्मन क्लेचर ऑफ दिस वॉस उसको अपनाया गया था तो डिस्कार्ड कर देना फिर थ्रो कर देना ये भी नहीं आ सकता रिमूव कर देना किसी चीज को हटा देना ये भी नहीं हो सकता हाँ ये वाला ऑप्शन हो सकता है तो इसको हम लोगों को देखना पड़ेगा ठीक है दो प्रिविलेंट इन स्टेट जो कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा था प्रिविलेंट इन स्टेट्स जैसे कि कौन सी प्रिविलेंट एग्जिस्टिंग इन स्टेट्स जैसे कि तमिलनाडु एट द टाइम द एलोकेशंस ऑफ एन एफ एस ए बेनिफिशरीज हुआ डबल एंड द नॉमन क्लेचर ऑफ पी एम जी के ए वाई वॉज अपेंडेड वॉज अडोप्टेड तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर्स ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ये रहा तुम लोगों के लिए का मतलब एक बार देख लो टू एड मतलब क्या होता है टू एड ओके और यह रहा तुम लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे बिटवीन अप्रैल 2020 एंड दिसंबर 2022 1015 लाख टन्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड at a dash of rupees 3.45 lakh crore at the end of 2022 the center announced the center ne kya announced kara free grains dega under the dash under the normal dash to states and union territories ko for a year while dash the enhanced time Entitlement देखो बेटा आर्टिकल आ लगा हुआ है यहाँ पर नाउन कैसा होना चाहिए सिंगुलर होना चाहिए क्योंकि अगर आर्टिकल आ लगा होता है तो ये रूल है चाहे ए लगा हो या एन लगा हो तो नाउन जो होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए सिंगुलर यहाँ पर तो ऑफ लगा हुआ यानी कि ये जगह नाउन सिंगुलर की है तो यहाँ पर लॉसेस भी नहीं हो सकता प्रॉफिट्स भी नहीं हो सकता प्लूरल है क्योंकि Pause भी नहीं हो सकता प्लूरल है क्योंकि तो हमारे पास सब्सिडीज़ जो होता है सब्सिडीज जो होता है वो होता है प्लूरल सब्सिडी जो होता है वो होता है सिंगल तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ सब्सिडी आसान क्वेश्चन था यहाँ पर क्या हो जाएगा नॉर्मल प्रोविजंस यहाँ पर क्या आ जाएगा नॉर्मल प्रोविजंस

वाइल के बाद तुमको ये भी मालूम है कि वाइल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है आईएनजी तो तुमको यहाँ पर आईएनजी फॉर्म भी दिया गया वाइल सिंगिंग वाइल राइटिंग वाइल गोइंग आउट वाइल लिसनिंग ठीक है सो ये भी तुम लोगों का सही लगा के दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों की स्क्रीन पर अच्छा सब्सिडी का एक बार मतलब देख लेते हैं क्या होता है टर्म यूज फॉर फाइनेंशियल एड जो कि गवर्नमेंट देती है ठीक है सब्सिडी तुम लोगों की गैस सिलेंडर की भी सब्सिडी आती है है ना इज अ टर्म फॉर द फाइनेंशियल एड यानी कि हेल्प जो कि कौन देता है गवर्नमेंट देता है प्रोविजन्स रेफर टू द बेनिफिट्स और एंटाइटलमेंट्स अंडर द स्कीम और डिसकॉन्टिन्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा फिट्स क्योंकि वर्क यहाँ पर क्या चाहिए तुम लोगों को वाइल के बाद आई फॉर्म चाहिए और डिस्कॉन्टिन्यूइंग ठीक है ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एंड लेट्स सी चलो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ ग्रामर के रूल्स एंड एवरीवन लेट्स स्टार्ट फाइव लाख और पीपल अटेंडेड द फुटबॉल मैच हेल्ड एट जो कि कहां पर हुआ था युवा भारती के केरनगन फुटबॉल ग्राउंड में बताओ इसमें एरर क्या है मेक इट फास्ट एवरीवन ये नहीं है कि मैम बोलेगी नहीं तो हम आंसर नहीं लिखेंगे ई वाली कहानी नहीं करनी है जल्दी जल्दी से बहुत सारे रूल सीखोगे यहाँ पर बहुत सारे रूल सीखना है तो ये बताना पड़ेगा आंसर देखो बेटा फाइव lakh ऑफ पीपल नहीं होगा फाइव lakh पीपल होगा मैम क्यों अगर आपने गिनती लगा दी है तो आपको ऑफ लगाने की जरूरत नहीं होती है जैसे हमने बोला सेवन डस ठीक है तो ये क्या हो जाएगा ये इनकरेक्ट हो जाएगा और ये इनकरेक्ट क्यों हो जाएगा ये भी समझ लो अगर आपने सेवन लगा दिया है न्यूमरल लगा दिया है तो ये कभी भी प्लूरल नहीं होता है ये हमेशा सिंगुलर होता है ठीक है दूसरी चीज इसके साथ में कभी भी हम ऑफ भी नहीं लगाते हैं बट अगर यहाँ पर लिखा होता डजन्स ऑफ एग्ज दर्जनों अंडे तो ये क्या होता है तब उस स्थिति में ये क्या है ठीक है हमने बोला थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स मैम ये ठीक है हाँ ये ठीक है क्यों मैम ये फिर कैसे ठीक है अभी तो आप बोल रहे हो ऑफ नहीं लगाते बेटा यहां पर न्यूमरल वैल्यू लिखी हुई है हमने बोला है कि अगर न्यूमरल वैल्यू लिखी होगी तो हम इसका प्लूरल नहीं बनाते हैं और ना ही ऑफ़ लगाते हैं अब हमने तुमसे ऐसा बोला है कि अगर न्यूमरल वैल्यू नहीं लगी हुई है क्या यहाँ पर कोई न्यूमरल वैल्यू लगी है नहीं लगी हुई है जब नहीं लगी हुई है तो यहाँ पर डजन्स ऑफ एग्स ये प्लूरल लिखते हैं और ऑफ़ भी लगाते हैं थाउजेंड्स ऑफ यानी कि हज़ारों स्टूडेंट्स ये भी सही है हंड्रेड्स ऑफ बुक्स हमने बोला सैकड़ों किताबें हंड्रेड्स ऑफ books, सैकड़ों किताबें, ये भी क्या है ठीक है हमने बोला मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स हमने बोला मिलियंस ऑफ students, मैम ये ठीक होगा हाँ ये भी ठीक होगा ठीक है क्यों ठीक होगा मैम क्योंकि यहाँ पर कोई भी न्यूमरल वैल्यू नहीं लिखी हुई एंड दे हैव नॉट गिवन यू वैल्यू देन कैन राइट इन इट्स फॉर्म ठीक है तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं चलो जल्दी से करो अकॉर्डिंग टू देम कोलकाता इज फर्दर फ्रॉम बैंगलोर देन धनबाद तो हम लोग यहाँ से कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं एवरी चलो जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा देखो हाँ ओके एवरी वन Uh, जल्दी से आंसर्स देने हैं कमोन कमोन अकॉर्डिंग टू देम कोलकाता इज फर्दर फ्रॉम बैंगलोर धैन धनबाद देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू देम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फर्दर की और हम बात कर रहे हैं फार्दर की इन दोनों में क्या होता है इन दोनों में होता है डिफरेंस ठीक है एक होता है फर्दर और एक होता है बेटा फार्दर ठीक है इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये होता है इन एडिशन टू इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं जब हम बात करते हैं किसकी किसी चीज को इन एडिशन टू ठीक है फार्दर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिस्टेंस के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं हम दूरी के लिए ठीक है इसका हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए दूरी के लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर तुम बात कर रहे हो डिस्टेंस की तो यहाँ पर हो जाएगा फार्दर जैसे हमने बोला शी नीड्स फर्दर इंफॉर्मेशन ऑन दिस इशू शी नीड्स फर्दर इंफॉर्मेशन शी नीड्स फर्दर इंफॉर्मेशन ऑन दिस इशू ठीक है और इस इश्यू पर उसको इस शी नीड्स फर्दर इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा हम यहां पर क्या हो जाएगा शी नीड्स फर्दर इंफॉर्मेशन ऑन दिस इशू तो मेरा बेटा बस तुमको यहां पर ये यह याद रखना है शी नीड्स इंफॉर्मेशन ऑन दिस पर इन एडिशन टू फर्दर फर्देशन ऑन हो जाएगा she needs और ज्यादा इंफॉर्मेशन ठीक है पर तुम बात कर रहे हो डिस्टेंस की अकॉर्डिंग टू कोलकाता है इस दूर है किससे बैंगलोर और धनबाद ओके नेक्स्ट तुम लोगों के लिए लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द द पेशेंट इज In इन uh, in इन much better condition now. Come on, बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? भैया जी मन नहीं लग रहा है आज ठीक है मैम बात नहीं कर रही है तो मन नहीं लग रहा है ठीक है देखो पहला रूल तो ये होता है यहाँ पर लगा हुआ है एन एन मच के पहले आ लगेगा और दूसरी चीज अकॉर्डिंग टू कभी तुम बोलना तो ये याद रखना कभी भी तुमको ये नहीं कहना है अकॉर्डिंग टू मी ठीक है यहाँ पर तुमको ये नहीं कहना है अकॉर्डिंग टू मी नहीं कहना है कभी भी ठीक है अकॉर्डिंग टू मी कभी भी नहीं कहना है आपको क्या कहना है अकॉर्डिंग टू मी नहीं इन माई ओपिनियन क्या बोलोगे इसके बदले में अकॉर्डिंग टू मी के बदले में बेटा क्या बोलोगे इन माई और ग्रुप डिस्कशन में इस बात का खास तो आप लोगों को ध्यान रखना है इन माए ओपिनियन ठीक है इन माय ओपिनियन ठीक है दोस्त इन माय ओपिनियन तो मी के अलावा तुम अकॉर्डिंग टू हिम बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू हर बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू देम बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू न्यूरोलॉजिस्ट बोल सकते हो सब कुछ बोल सकते हो ठीक है सो अकॉर्डिंग टू द न्यूरोजिस्ट द पेशेंट इज इन अ मच बेटर कंडीशन ना हो जाएगा एन नहीं लगेगा ओके okay? सो नेक्स्ट बताओ प्रतीक एंड हिज यंगर ब्रदर वर्क हार्डली टू मेक बोथ एंड मीट कम ऑन कम ऑन कम ऑन जल्दी से आंसर देने हैं प्रतीक एंड हिज यंगर ब्रदर वर्क हार्डली टू मेक बोथ एंड मीट बेटा वर्क हार्डली नहीं होता हार्डली का मतलब होता है सुनो देखो एक वर्ड होता है that, और दूसरा होता है हार्डली इस हार्ड और हार्डली में डिफरेंस क्या होता है हार्ड का मतलब होता है मुश्किल से कठिनाई से बट हार्डली का मतलब होता है हार्ड का मतलब होता है कोई चीज बहुत सख्त उसने बहुत वर्क हार्ड उसने बहुत ज्यादा मेहनत करी तो वर्क हार्डली क्यों नहीं बोलते हो क्योंकि हार्डली का मतलब होता है कोई चीज ना के बराबर ठीक है उसने को हार्डली का मतलब क्या होता है ना के बराबर या मुश्किल से ना के बराबर या मुश्किल से ठीक है मुश्किल से ठीक है जैसे हमने बोले कहा प्रतीक है हार्डली तो नहीं होगा यहाँ पर क्या होगा वर्क उन्होंने मेहनत करी है ताकि वो लोग सर्वाइव कर सके ठीक है तो हार्डली का मतलब ना के बराबर और चलो एक एग्जाम्पल दो हार्ड का तुम सब लोगों को एग्जाम्पल देना है जल्दी से बताओ एग्जाम्पल दो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ये नहीं है पेपर बैग अमंग सही है या गलत है जमाल डिसाइडेड टू हाइड दैग अमंग टू टेबल्स बेटा देखो एक होता है अमंग और एक होता है अमंगस्ट इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है अमंग और अमंगस्ट में डिफरेंस क्या होता है इनका प्रयोग हम दो से ज़्यादा के लिए करते हैं दूसरा डिफरेंस क्या होता है पहला डिफरेंस तो दो से ज़्यादा के लिए दूसरा डिफरेंस हम ये होता है अमंग जो होता है वो कॉन्जोनेंट से पहले लगता है किसके पहले लगता है कॉन्जोनेंट से पहले लगता है और जो अमंगस्ट होता है वो कहाँ लगता है वॉवल से पहले लगता है ठीक है Among से पहले और अमंगस्ट वॉवल से पहले लगता है तीसरी चीज आप लोगों को यह ध्यान रखनी होती है जैसे हमने बोला यहां पर लिखा हुआ है द स्टूडेंट्स ठीक है द स्टूडेंट्स अमंग द स्टूडेंट्स होगा या अमक द स्टूडेंट्स होगा जल्दी से बताओ कॉन्जोनेंट और ये होगा वॉवल्स से पहले तो द के पहले क्या लगेगा तो तुम कहोगे मैम दा के पहले तो ये तो दा तो कॉन्जोरेंट साउंड दे रहा है और कॉन्जोरेंट का मतलब है हम यहाँ पर अमंग लगा देंगे हाँ तुमने बिल्कुल सही बात बोली है बट दा जो होता है एक्सेप्शन होता है इसके पहले हम अमंग और अमंग्स दोनों ही लगा सकते हैं ठीक है इतनी बात समझ में आ गई यहाँ पर हम दोनों ही लगा सकते हैं नेक्स्ट बिटवीन दो से ज्यादा के बिटवीन किसको लिए होता है दो के लिए होता है एक्सेप्शन है बिटवीन दो से ज्यादा के लिए भी होता है कब यूज होता है जब आप रेसिप्रोकल रिलेशनशिप दिखा रहे हो आप रेसिप्रोकल रिलेशनशिप दिखा रहे हो रिलेशनशिप दिखा रहे हो तो वहां पर बिटवीन का प्रयोग हम दो से ज्यादा के लिए भी करते हैं सॉर्टेड हो तो यहां पर यह लिखा हुआ है जमाल डिसाइडेड टू तो हाइड द पेपर बैग अमंग द टू टेबल्स एक टेबल ये है और एक टेबल ये लगी हुई है जब दो स्पेसिफिक तुमने बता दिया है तो यहां पर अमंग नहीं लगाएंगे यहां पर हम लोग क्या लगा देंगे बिटवीन लगा देंगे ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ the little girl kept waiting from the door until the old lady opened the door and gave her a warm welcome the little girl kept waiting chalo batao jaldi se easy question हाँ द लिटिल गर्ल कैप्ट वेटिंग फ्रॉम द डोर नहीं बिचारी वो खड़े होके इंतजार करती रही कहाँ पर लोकेशन स्पेसिफिक जगह बताने के लिए हम तुम्हारा इंतजार करेंगे चर्च पर एट होगा वहां पर ठीक है मिलते हैं इस जगह पर एट दिस प्लेस ठीक है तो स्पेसिफिक जगह बताने के लिए दोस्त हम लोग ऐट लगाते द लिटिल गर्ल वेटिंग कहाँ पर डोर पर वो इंतजार करती रही कब तक करती रही जब तक द ओल्ड लेडी ओपन द डोर एंड गेव हर वो वेलकम ठीक है नेक्स्ट बताऊ यादवेंद्र मैंशनड इन हिज मेल दैट ही वुड गो टू द नेबरिंग स्टेट ऑन द फॉलोइंग डे ऑन द फॉलोइंग डे बताओ ऐसे सपोज करो हम तुमसे बोलते हैं आई विल कम ऑन टूम इज द सेंटेंस करेक्ट आई विल कम ऑन टूमो हो सकता है आई विल कम ऑन टूमो ये क्या सेंटेंस सही है ये तो सेंटेंस गलत है ना आई विल कम ठीक है आई आई विल विल कम कम कब शी 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 केम 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 एट यस्टरडे बोलो ये सही है शी केम एट यस्टरडे हो सकता है नहीं हो सकता है दोस्त एट यस्टरडे नहीं हो सकता है शी केम कब यस्टरडे इनके पहले ऑन एट नहीं लगाया जाएगा ठीक है आई बात समझ में कि नहीं आई आई विल विल कम टूडे शी केम टूडे गलत शी केम ऑन टुडे नहीं होगा आई मीन प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करा जाएगा ठीक है आ जाओ जल्दी से बता दो कमऑन शी Uh, चलो अच्छा एक सेंटेंस और देते हैं हम लोगों को इसी के ऊपर बेस्ड ठीक है अनलेस अवंतिका डज नॉट गिव द कीज ऑफ द लॉकर शी विल बी शॉट बाय द बर्गलर एंड लेट्स सी हु आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट अनलेस अवंतिका ड नॉट गिव द कीज अच्छा सुनो तुमने अलर तो पकड़ लिया है माना पकड़ लिया आई एम एक्सपेक्टिंग एवरीबडी राइट राइट द करेक्ट आंसर ये नहीं कि मैम यहाँ पर नॉट नहीं लगेगा अनलेस के साथ नॉट नहीं लगता है राइट डाउन द करेक्ट आंसर अनलेस अवंतिका डज नॉट हाँ डज नॉट नहीं लगेगा तो करेक्ट थोड़ा बता दो अनलेस एक नेगेटिव है अगर अनलेस आ जाता है ठीक है आ जाता है तो इसके साथ में नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं तुम सब लोगों को करेक्ट आंसर्स लिखने हैं ठीक है नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं बट तुम लोगों को करेक्ट आंसर्स लिखने हैं ठीक है अब बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा द प्राइस ऑफ द न्यू बुक्स इज लाइकली टू बी एज हायर एज थ्री टाइम्स द एग्जिस्टिंग वंस बताओ as और as के बीच में कौन सी डिग्री आती है कम ऑन एवरीवन as और as अगर लिखा जाएगा तो यहाँ पर कौन सी डिग्री आएगी कम ऑन एवरीवन जल्दी से बताओ अगर as और as लिखा हुआ है तो हमेशा और हमेशा कौन सी डिग्री पॉजिटिव डिग्री आती है बेटा जब पॉजिटिव डिग्री आती है तो जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री तो करेक्ट आंसर लिखकर बता दो क्या हो जाएंगे बेटा

एज फास्ट एज पॉजिटिव डिग्री ठीक है एज और एज के बीच में हमेशा हम कौन सी डिग्री लगाते हैं पॉजिटिव डिग्री का हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज और एज़ के बीच में हम किसका इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं राइट नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं चलो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा इफ़ सोमलता वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ़ बताओ किस पार्ट में एरर है इफ़ सोमलता वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ़ स्पाइडर्स एंड स्नैक शी विल क्लीन हर रूम आप विदाउट हेल्प फ्राम एनी वन इफ़ सोमलता वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ अगर वो अफ्रेड ऑफ़ नहीं होती किस से स्पाइडर्स से ये प्लेरल है एंड से जुड़ा हुआ है तो ये स्नैक्स भी प्लेुरल होना चाहिए लॉ ऑफ पैरलिज्म यही कहता है बेटा कि अगर कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है अगर इधर नाउन प्लूरल लिखा हुआ है तो इधर भी नाउन क्या होना चाहिए प्लूरल होना चाहिए अगर इधर नाउन सिंगुलर लिखा हुआ है तो इधर भी नाउन क्या होना चाहिए सिंगुलर होना चाहिए दूसरी बात यहां पर क्या लिखा वर्ज यानी कि वर्स का मतलब क्या है पास्ट है और विल का जो पास्ट होता है वो क्या होता है बेटा वुड होता है तो यहां पर स्नेक्स और वुड होगा ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे ओनली बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से बताओ If the school authorities had taken the required steps to punish the offender, the students can have remained cautious। जल्दी से बताओ। If the school authorities had taken the required steps to punish the offender, the students can। दो गलतियाँ हैं। Two के साथ में हमेशा verb की कौन सी form आती है first form। यानी कि C वाले में तो error है। ये हटा दो, ठीक है? ये हटा दो। अब इन दोनों में से बता दो कौन सा हो जाएगा? Past में है। ठीक है पास्ट में लिखा हुआ है हैड टेकन पास्ट में लिखा हुआ है तो बेटा कैन का जो पास्ट होता है वो क्या होता है कुड होता है द स्टूडेंट्स कुड हैव और हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म थर्ड फॉर्म तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा सी और डी विल बी द करेक्ट आंसर गॉट इट सी और डी समझ में आ गया एवरीवन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये लिखा हुआ है तुम लोगों का ये होमवर्क क्वेश्चन है इसको तुम लोग होमवर्क में करोगे चलो बताओ यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होने वाला है रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है जल्दी से बताओ वाइल एलिवेटर्स रिलाई ऑन मशीन एंड इलेक्ट्रिसिटी टू परफॉर्म अ टास्क टू डिफिकल्टी फॉर ह्यूमन बींग देखो पहली एरर तो ये है टू के बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये एलिमिनेट कर दिया ये एलिमिनेट कर दिया अब बचा है ए और सी टास्क के पहले क्या कभी हम एन लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टू परफॉर्म अ टास्क जो कि क्या है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है टास्क कैसी है डिफिकल्ट है परफॉर्म अ टास्क टू डिफिकल्ट है किसके लिए ऑब्जेक्टिव की जरूरत है यहाँ पर डिफिकल्टी तो एक नाउन होता है ठीक है ये क्या है नाउन है तो नाउन हटा दो यहाँ पर फॉर ह्यूमन बींग्स यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन को करते हैं खत्म ऐसी उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन तुम लोगों के लिए होमवर्क के लिए बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा इंग्लिश अभी की अभी जाओ इंग्लिश बाय आयशा मैम ठीक है इंग्लिश बाय आयशा मैम इसको तुम लोगों को क्या कर लेना है ज्वाइन कर लेना है इस ग्रुप को यहाँ पर तुम लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी मेरा नाम है आयशा राशेद ठीक है कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा टैग करके तुम जरूर पूछ लेना ठीक है आई एम ऑलवेज देयर तो ऐसा नहीं है परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी ठीक है और हम नहीं चाहते कि तुम लोगों का टाइम वेस्ट हो दिवाली है तो मेरे लेक्चर्स ना हो ठीक है पढ़ाई करनी है हर बेसिस पर तो यहां पर तुमको अपना फोन नंबर डालना है ठीक है अपनी पी तुम लोगों को अगर डाउनलोड करनी है तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा अपनी ऐप को यानी कि बैंकिंग वाला आप फिजिक्स वाला की ऐप को डाउनलोड करो ठीक है फिजिक्स वाला की तुम लोग ऐप को डाउनलोड करोगे तुम्हारा नंबर मांगेगा ओ मांगेगा लगेगा गवर्नमेंट सेक्टर में जाना बैंकिंग को सेलेक्ट करना और आपको लाइब्रेरी में बहुत सारे खाना खजाना मिल जाएगा तो उसको तुमको क्या कर लेना है पढ़ लेना है ठीक है क्योंकि अभी तुम लोगों की जो पेड क्लासेस हैं छुट्टियों के टाइम पर पेड क्लासेस नहीं चल रही हैं तो उस टाइम क्या करोगे उस टाइम पढ़ाई तो करनी है ना दोस्त तो यहाँ पर आज के सेशन में हम लोगों ने पढ़ लिया है फिलर और हमने पढ़ लिए हैं ग्रामर के कुछ रूल्स ठीक है आई होप सो कि तुमको समझ में आ गए होंगे नाउ आई टेक अलविदा अच्छे से एंड या ऑन बिहाफ ऑफ पूरी की पूरी टीम की तरफ से ओके okay, यहाँ पर जितनी भी मेरी पूरी टीम है उसकी वज उसकी तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ बैंकिंग वाला आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली मे द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स अनलाइटन अप योर Enlighten uh, up your life with peace, prosperity, health and happiness. और खुश रहो हमेशा आगे बढ़ते रहो और ये सिलेक्शन वाली तुम्हारी दिवाली हो ठीक है बस यही तुमसे सब लोगों की दुआ है कि तुम लोगों का जल्दी से सिलेक्शन हो जाए टिल देन टेक केयर बाय बाय लव यू ऑल विल सी यू टुमारो एट द सेम टाइमिंग कितने बजे कल फिर हम लोग मिलेंगे इसी टाइम पर दोपहर तीन बजे डेली आप लोगों को आना है तीन बजे का मतलब है इस क्लास में आप लोगों को तीन बजे सब लोगों को आ जाना है बाय बाय लव यू ऑल हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योर फेस्टिवल बढ़िया से और अपने फोटो वोटो टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करते रहना ठीक है बाय बाय